हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस। तो दोस्तों, लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं चैनल के जरिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप किस किस वैकेंसीज के लिए या फिर जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो अपना है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो है टेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए हैं, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके 27 मई तक अवेलेबल रहेंगे। जो भी कैंडिडेट्स हैं एचपी टेट में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आप 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिलेंगे hpbose.org पर। इसके लिए आपको जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हैं इस बार, वो जल्द से जल्द आवेदन कर दें। इसके जो एग्ज़ाम है जून में होने वाले हैं, इसके लिए आपको देनी पड़ेगी जनरल और कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देनी पड़ेगी ₹800 और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं रिजर्व कैटेगरी उनको ₹500 एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है करेक्शन की डेट है वो 28 मई से 29 मई, 28 और 29 को आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको एचपी बोस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस यानी ओपीएससी ने एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए हैं। 63 टोटल पोस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट के लिए। तो वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ओपीएससी के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए हैं, जिसके लिए आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं opsconline.gov.in पर। यहाँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके अवेलेबल होंगे 28 मई से 27 जून तक। तो 28 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं उड़ीसा पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। एग्रीकल्चर और फार्मिंग एम्पावरमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भर पाएंगे। तो इसमें आपकी जो बेचलर डिग्री होनी चाहिए आपके हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर में, एज आपकी 21 से 32 साल होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लगने वाली है ₹500 और इसमें आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा। तो रिटर्न टेस्ट का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें जो है इंटरव्यू 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है, 200 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बेसिस में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके 28 मई से 27 जून तक अवेलेबल रहेंगे, जिसके लिए आप ओपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना सिक्किम पीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं, जिसके लिए आप बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इस जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की जो जूनियर ग्रेड की ऑफिशियल वैकेंसीज हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 to 50 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 30 अप्रैल 2019 तक। तो मिनिमम एज आपकी 21 और मैक्सिमम 50 ईयर्स एज होनी चाहिए 30 अप्रैल 2019। इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टेट लैंग्वेज की, जो सिक्किम की स्टेट लैंग्वेज है वहाँ लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें 34 टोटल पोस्ट है सिक्किम पीएससी के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो मेडिकल में डिग्री आपके पास हैं तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें, इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ेगा आपको spscskm.gov.in पर। 31 मई आपकी लास्ट डेट है जब आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट नंबर भर सकते हैं 31 मई तक। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए हैं जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको sbi.co.in के करियर के सेक्शन में जाके इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेंगे, जहां आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 18 साल मिनिमम एज है इसमें और वर्क एक्सपीरियंस आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए। बीटेक और MBA जिसने भी कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, इसकी जो वैकेंसीज है उसके लिए आवेदन करने के लिए जाना पड़ेगा आपको इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं पर जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दें और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको भी इसमें एक्सपीरियंस है 2 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। इसके अलावा जो आपके SBI के प्री एग्ज़ाम के कॉल लेटर वगैरह भी आ चुके हैं, जिसके हमने पहले ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। और इसी तरह से हम जो वैकेंसीज के अपडेट आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। अब नेक्स्ट अपनी वैकेंसी है एप्लीकेशन फॉर्म है त्रिपुरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 30 अप्रैल को इनवाइट किया गया था, अब इसकी लास्ट डेट आने वाली है
20 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस है आपकी 5 जुलाई। तो 5 जुलाई तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होने चाहिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट जो हैं टेट त्रिपुरा टेट के द्वारा में अगर आप अपियर होना चाहते हैं तो इसके सेप्टेम्बर में एग्जाम होने वाले हैं, तो इसके लिए आवेदन करने के लिए जाना पड़ेगा आपको trv.tripura.gov.in पर, वहाँ जाके आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो आपने बता दी है वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको त्रिपुरा टेट में जो है अपेयर होना है। साथ में सी टेट के एप्लीकेशन आपके क्लोज हो चुके हैं और टेट का सी टेट का एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को होने वाला है और इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। क्लासेस आपकी अपलोडेड है टेट की, वो आप ज़रूर जाके देखें, करंट अफेयर अपना चलता है वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप भी बहुत हम हेल्प कर पाएँ। और उसके अलावा जो भी अपडेट हमारे तक आती है हम आप तक चैनल के जरिए ज़रूर प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।